हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका पहला बाब उसकी पहली 18 आयत, इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था, इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। उसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनाफत करता जो दुनिया में आता है। वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इख्तदार बख्शा कि खुदा के फर्जन बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए और कलमा मुतजस्सद हुआ और हमने सुकूनत पजीर हुआ और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से ममूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा के मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, खुदाए मालूद और वहीद जो बाप की गोद में है उसी ने मुनकशिफ किया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, तख्लीक के वक्त खुदा का निजात का पैगाम उसके साथ था। दर हकीकत वो जो पैगाम था वो खुद खुदा था। यूहन्ना चाहता है कि हम जाने कि यीशु खुदा का कलमा और हतमी पैगाम है। शुरू से ही खुदा के साथ था। वो जिसने पानी को मैं बनाया, 5,000 को खाना खिलाया और लाजर को जिंदा करने वाला, जमीन पर अपनी मौजूदगी नहीं दिखा सकता था जब तक वो बैतलहम में पैदा ना हो, लेकिन वो हर वक्त यहीं मौजूद था। वो हमारे साथ खुदा था, जैसे कि मत्ती ने अंजील में बयान किया कि वो खुदा हमें मिलने के लिए आया, जैसा कि लूका ने हमें बताया कि वो खुदा का बेटा था, और जैसा कि मरकस ने हमें याद दिलाया कि वो हतमी तौर पर खुदा था और आखिरी कलमा। ए बाप, हमारी मदद कर कि हम तेरे पैगाम को जिंदगी में बेहतर तौर पर जान सकें। हमें यीशु और लोगों के लिए उसके दिल और तेरे साथ उसके प्यार के बारे में और समझा। ऐसा हो कि वो कलाम, अमल और तहरीक में मेरा खुदावंद हो। आमीन। Yeah.